दोस्तों, मैं जितेंद्र टेकॉम से बोल रहा हूँ। आज हुआवे ने ऑनर हॉली 3 फ़ोन भी लॉन्च किया है, ऑनर 8 के अलावा। और ये फ़ोन अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है, और इस फ़ोन का जो प्राइस है वो है करीबन 10,000 रुपये, टू बी प्रिसाइज 9,999 रुपये। और जहाँ तक इस के फीचर्स की बात करें, तो ये मेड इन इंडिया फ़ोन है, या कि इंडिया में ही इसको बनाया गया है। और इसके जो बैक कवर है, आप देख सकते हैं, 3D टेक्सचर्ड इसका कवर दिया गया है। ये प्लास्टिक का है, और इसका जो थीम है और इसका जो डिज़ाइन है वो हॉली 2+ से लिया गया है। इसके राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन है, और इसका जो सिम स्लॉट है वो पैनल निकालने के बाद नीचे दिया गया है। और इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 5.5 इंच HD डिस्प्ले, जिसकी रेजोल्यूशन है 1280x720 पिक्सल्स। और ये फ़ोन, ये आप देख सकते हैं, ये ऑडियो जैक है जो टॉप पे दिया गया है। और इसके और फीचर्स की बात करें, तो ये 1.2 GHz ऑक्टा कोर किरिन 620 प्रोसेसर के साथ चलता है, जो कि हुआवे का अपना है। और ये 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसको कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं 128 GB तक। और इस फ़ोन का जो कैमरा की बात करें, तो ये काफ़ी फीचर्स के साथ आते हैं, इसमें काफ़ी मोड्स दिए गए हैं। और ये 13 MP का इसका रियर कैमरा है, जो कि LED फ्लैश के साथ आता है। इसमें f2.0 का अपर्चर दिया गया है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 MP का विद f2.0 अपर्चर। और ये कैमरा काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी इसकी टेस्टिंग तो बाद में की जाएगी। और जहाँ तक इसके और फीचर्स की बात करें, तो ये इसमें 3100 mAh बैटरी दी गई है, यानी कि 3100 बैटरी है, और ये काफ़ी पावरफुल बैटरी कही जा सकती है। और ये पूरे दिन के लिए आपको ठीक ठाक आपका काम कर देगी। और मॉडर्न यूसेज के लिए ये एक 8 या 10 घंटे तक चलने की इसकी अपेक्षा की जा सकती है। और ये फ़ोन जो है एंड्रॉयड मार्शमेलो पे चलता है, जिस पे कि हुआवे का अपना EMUI 4.1 इस पे लेयर दी गई है। और आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी इंटरनल स्टोरेज, CPU, रैम वगैरह इसमें दिखाया गया है। और ये 4G LTE कंप्लाइंट फ़ोन है, और इसमें जो और कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हैं वो है ब्लूटूथ, GPS, वाईफाई एट्सेट्रा। और जहाँ तक इस फ़ोन की बात करें, प्राइस की बात करें, तो ये 10,000 रुपये का फ़ोन है। और इसमें जो जो खामी आपको शायद नज़र आए, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, और इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बॉडी है। हालांकि आजकल आप देख सकते हैं कि काफ़ी मेटल डिज़ाइन फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इसके फीचर्स की बात करें, तो इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। और इस फ़ोन को 5.5 इंच की स्क्रीन होने के बावजूद आप इसको सिंगल हैंड से आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये फ़ोन देखने में ठीक ठाक लगता है, और इसको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप 10,000 तक का फ़ोन लेना चाह रहे हैं। लेकिन ऑनर ने अभी ये नहीं बताया कि ये फ़ोन कब अवेलेबल होगा। हालांकि ऑनर 8 तो अभी मार्केट में अवेलेबल हो गया है, लेकिन होली 3 का अभी उन्होंने एग्जैक्ट डिलीवरी शेड्यूल नहीं बताया है कि ये आपको रिटेल शेल्फ में कब मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। और इसकी अगर बात करें इसको इसके फीचर्स की, इसके कैमरा की, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और लेटेस्ट व्यूज़ और एनालिसिस के लिए। और मैं आपको इस लेटेस्ट न्यूज़ देता रहूँगा। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो, एंड नाउ आई एम टेकिंग ऑफ। थैंक्स वंस अगेन।